बेटा हर चीज का एक सही वक्त होता है, अगर तुम्हें इस समय वो पहना देते हैं तो धागा ही रह जाएगा। एक मामूली से धागे से उसे जनेऊ बनाने के लिए उसमें विधि करनी पड़ती है, उसका बहुत बड़ा शास्त्र है, इसलिए उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। वैसे भी विधि का मुहूर्त निकल चुका है और अब ये विधि नहीं हो सकती। परेश भाई, फिर दोबारा से कोई शुभ मुहूर्त निकाल करके और यह विधि करनी पड़ेगी। पर पंडित जी, ये विधि तो चिराग 5 साल का हो जाए उससे पहले होनी चाहिए, और चिराग तो कल 5 साल का हो जाएगा और कल तो उसका जन्मदिन है। यज्ञोपवीत की विधि तो बाद में भी कर सकते हैं, जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। चलो, सूर्यास्त हो गया। आसमान का सूरज तो कल वापस निकल आएगा, लेकिन पुरोहित परिवार की खुशियों का सूरज अब जो डूबेगा वो फिर कभी उदय नहीं हो पाएगा। पुरोहित खानदान पे महादशा शुरू, ऐसी महादशा जो उसके कुल का सर्वनाश कर देगी। पता नहीं कौन सी दशा चल रही जो पूजा में विघ्न आ गया। जब भी कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं ना, तब कुछ न कुछ अड़चन तो आ ही जाती है। इतना जुनून तो चिराग में पहले कभी नहीं देखा कि आज अचानक इसे क्या हो गया। नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट किया है उसने। किसी पे भी इतनी जबरदस्ती करोगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। दाइमा जी, इधर आइए। चिराग को अंदर लेके जाइए और प्लीज इसे अकेला मत छोड़िए। आओ चिराग। सही कहा ना मैंने बापूजी? चलिए सब अंदर चलते। नहीं, आज बात खत्म करके ही अंदर जाएंगे। दाइमा बा क्यों रो रही थी? अब इनके नसीब में यही लिखा है बेटा। मतलब तुम अभी नहीं जान पाओगे, कल जब 5 साल के हो जाओगे ना तब जान पाओगे इसका मतलब। चल। दाइमा ये क्या है? श्री परेश भाई, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कतई बुरा नहीं लगा। मैं आज भी आपके परिवार का शुभचिंतक हूँ। आपके लिए एक किताब और तस्वीर भेज रहा हूँ। क्या हासिल होता है आप लोग को ये सब करके? बेटा, हम तो सिर्फ उसका भला चाहते हैं। और बेटा, हम कृष को खो चुके हैं, इसीलिए चिराग का ज्यादा ध्यान रखते हैं। देवा, माँ की बात समझने की कोशिश कीजिए। आप भी जानते हैं कि जब से चिराग का जन्म हुआ है इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है, और उसका अजीब बर्ताव, ना कभी पूजा में बैठता है ना कभी मंदिर आता है। क्योंकि वो मुझ पे गया है, नहीं पसंद है उसे सब कुछ। बच्चा है, दिए जलाकर अगर मुरादें पूरी हो जाती तो पूरी की पूरी दुनिया बैठी रहती। देवा, शांत हो जाइए। कितनी बार शांत रहूं विद्या मैं? तुमने मुझसे कहा था कि यज्ञ पवित्र होने दो, मैं होने दिया। चिराग यहाँ पर रो रहा था, मैं चुपचाप शांति से वहां से चला गया, मैंने कुछ नहीं बोला। हर बार मैं ही सही साबित हुआ हूँ। कहाँ गई वो बुक? इसी थाल में तो देखी थी मैंने। बापूजी,
I'm sorry, Bapuji. मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी. मुंह से निकल गया बापूजी. बापूजी मैं चिराग को तकलीफ में देखता हूं तो मुझसे सहन नहीं होता. अब तो खुद एक पिता है ना बापूजी. आप मेरी बात समझ सकते हैं. बापूजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्लीज चिराग पे जबरदस्ती मत कीजिए. शक है तो फिर मेरा बैग ही क्यों? ये पूरा कमरा तलाशी है. ये मेरी अलमारी, ये भी तलाशी है. तलाशी लूंगी, अब तो सारे कमरे की तलाशी लूंगी ताकि सच सबके सामने आए. ये दाइमा चिराग पर वशीकरण करती है. मिल गया सबूत? अगर आप लोगों को मुझ पे इतना ही शक है तो मैं ये घर और चिराग की जिंदगी से चली जाती हूँ. दाइमा रुकिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए. विद्या जाने दे इसे. माँ आप जानती हैं कि इन्होंने चिराग के लिए क्या कुछ नहीं किया है. अपने जान पर खेलकर चिराग की जान बचाई है. जानती हूँ मैं, मगर अब जो जाना है उसके बाद ये औरत अगर इस घर में एक मिनट भी रही तो हम सब के लिए बहुत खराब होगा. ए 10 मिनट देती हूँ तुझे. ये बोरिया बिस्तर उठा और चलती बनी यहाँ से. माँ, नहीं विद्या भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस परिवार में झगड़े हो. वैसे भी चिराग कल 5 साल का हो रहा है. एक विनती करना चाहती हूँ आप सबसे. चिराग सो जाए उसके बाद चली जाऊंगी. अगर उसके सामने गई तो वो रो पड़ेगा. मुझे जाने नहीं देगा वो. बात तो सही है, चिराग बहुत रोएगा. अगर सुबह ये चली जाएगी और चिराग को पता चला कि ये इस घर में नहीं है तब भी वो रोएगा. बेहतर ये है कि ये इसी वक्त यहाँ से चली जाए. बाप, इस बार बीच में कोई नहीं बोलेगा. देवांग, चिराग इमोशनली बहुत अटैच्ड है दाइमा से. अगर उसे पता चल गया कि दाइमा चली गई तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा. हाँ विद्या, लेकिन बाप भी तो अपनी बात पर अड़ गई है. एक पॉइंट के बाद मैं बाकी बात को भी नहीं टाल सकता. उसने और दाइमा ने मिलकर कितने सारे प्लान बनाए होंगे उसके बर्थडे के लिए.
अगर उसे पता चल गया कि दाइमा नहीं है तो शायद वो अपना बर्थडे भी नहीं मनाएगा। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं बब्बू। निवा, कुछ भी हो जाए लेकिन चिराग का बर्थडे खराब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। चिराग, कहाँ है मेरा बेटा? चिराग, चिराग, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? चिराग, आप उस दाई को घर में वापस हरगिज आने नहीं दोगी। लेकिन यशोदन जी, दाई माँ को घर पे न पाकर चिराग को सदमा लग गया है, बुखार से तप रहा है वो, दाई माँ के नाम की रट लगाकर बैठा है वो। वो तो बच्चा है, उसे क्या पता है, लेकिन अगर दाई घर पे वापस आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने एक किताब और एक खत परेश भाई के लिए भेजा था, अगर उन्होंने वो पढ़ लिया होता तो ये सब कुछ ना होता। किताब और खत, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब वो किताब और खत किसी और के हाथ में लग गया है। एक मिनट, मुझे लगता है वो किताब और खत दाई माँ के हाथ लग गए। मुझे पूरा यकीन है दाई माँ ने उन चीजों को कहीं छुपा दिया होगा। ये अच्छा नहीं हुआ। यशोदन जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे चिराग को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। चिराग को बचाने का एक ही रास्ता है, उन लोगों को मुझे वापस बुलाना ही होगा। थोड़ी देर में खुशी की घंटी बजेगी। हे माँ, मेरे बच्चे पर जो मुसीबत आनी हो वो मुझ पर आ जाए, मेरे बेटे को ठीक कर दे। बब्बू, अगर तुम ही रो पड़ोगी तो कैसे चलेगा? ये और भी नर्वस हो जाएगा ना। नहीं, मैं नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चे को ठीक करके रहूंगी। चिराग के जन्म के समय कितनी सारी मुसीबतें आई थी, पर तब देवी माँ ने दाई माँ के रूप में हमें मदद भेजी थी। देवा, अगर दाई माँ नहीं होती तो हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं होता। डॉक्टर ने भी तो यही कहा ना कि इसको दवाई की नहीं दाई माँ की जरूरत है। विद्या, मैं भी चाहता हूँ कि दाई माँ वापस आ जाए, चिराग ठीक हो जाए, लेकिन बा को कैसे मनाए? तुझे पता है यशोदन जी ने तेरे बापूजी के लिए किताब और खत भेजा था, जिसे दाई माँ ने हम तक पहुँचने ही नहीं दिया। बा, आपने कमरे की तलाशी ली थी, किताब मिली बा? नहीं ना। गुड्डा तो मिला ना। दाई माँ ने उस गुड्डे को चिराग के कपड़े पहनाए। वो खिलौना चिराग का नहीं है और दाई माँ की उम्र भी नहीं है खेलने की, तो फिर वो गुड्डा वहां क्या कर रहा था? इसका जवाब है तेरे पास? भी असर नहीं कर रही है, ऊपर से बाबी जिद पर अड़ी हुई है। अब तक तो चिराग की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई होगी, फिर भी फोन क्यों नहीं आया उन लोगों का? क्या अपने बच्चे से प्यार नहीं है इन्हें? विद्या, कम हो रहा है बुखार।
हेमा, आपने मेरी सुन ली? नहीं! नहीं, नहीं, नहीं! मम्मी, चिराग, पागल हो गए ये लोग। बच्चे की हालत देखकर भी मुझे फोन नहीं कर रहे। अपने घर के चिराग को खुद ही बुझाना चाहते हैं ये लोग। हैप्पी बर्थडे चैम। हैप्पी बर्थडे बेटा। माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। हार नहीं मानूंगी मैं, नहीं मानूंगी मैं हार। वचन दिया है, पूरा करूंगी मैं। मैं वापस आई। सर यही रोजी रोटी है मेरी। वाओ, फुटबॉल। आता है। एक और फुटबॉल। देवांग, रहने दीजिए ना इन्हें। पार्टी में सबका मन लगा रहेगा। हाँ पापा। ठीक। अच्छा, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू लिटिल मास्टर। चिराग अंदर चलो, तुम्हारे लिए और भी बड़ा सरप्राइज है। एक और बड़ा सरप्राइज। चलो चलो चलो। सॉलिड काम होना चाहिए। किधर गए सब आदमी लोग? क्या तुम लोग यार जल्दी काम करो ना। इधर यार सब काम मेरा सर पे सब पड़ा है। हाँ मैं इनके घर पहुंच गया। पार्टी में रुकने की इजाजत भी मिल गई। पार्टी में चिराग मेरे करीब होगा। ये कपड़े ही मेरा हथियार है। आज मुझे चिराग को आधी रात से पहले उसी जगह ले जाना होगा, जंगल में जहां उसका जन्म हुआ था। अगर मैं चिराग को नहीं ले जा पाई तो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चिराग दाई माँ के आते ही ठीक हो गया, ये सब आपको अजीब नहीं लगता? मंजुला, मुश्किल से इस घर के हालात सुधरे हैं। अब दोबारा कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो। दादाजी, ये देखिए, मम्मी मेरे लिए बर्थडे पार्टी के लिए फैंसी ड्रेस लाई है और मास्क भी। ये तो बहुत ही अच्छी है। अब तबीयत ठीक है बेटा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो सब रोने ही लगते हैं। इधर आओ बेटा। वो इसलिए कि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम सबको तेरी चिंता है ना, इसलिए। प्लीज आप दोनों मत रोइए। जाओ बेटा, अपनी मम्मी के पास जाओ, संभल के। हाँ यशोदन जी, किस लिए फोन किया? मैंने आपको आगाह करने के लिए फोन किया है। दाई आज एक बहुत बड़ा अनिष्ट करने जा रही है। वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने जा रही है। लेकिन घर में सब कुछ ठीक है। आप समझ नहीं रहे हैं, आज ग्रहों का योग बिल्कुल वैसा ही है जैसा 5 साल पहले चिराग के पैदा होने के वक्त था। आज राक्षस की अमावस्या है। यशोधन जी प्लीज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। चिराग को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, उसे दूर मत होने देना। ईश्वर आपकी रक्षा करे।
सुनिए, मैं जरा चिराग को देख कर आती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। सांभलो सांभलो सांभलो, दाईवान मेहरबान कदरदान, दिल थाम के बैठिए। आज की महफिल के हीरो इस घर के चिराग, इनका नाम भी है चिराग। पधारे मुझे चिराग जैसा दिखने वाला बच्चा नजर नहीं आ रहा है। कोई मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूंगी ना, लेकिन अभी नहीं, सबसे आखिर में दूंगी, क्योंकि वो सबसे खास है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दाइमा, लेकिन मुझे तब तक नींद आ गई और मैं सो गया तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। उसके बाद तुम असली दुनिया देखोगे। अब मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूं। मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटा, आपको ये कपड़े किसने दिए थे? मुझे याद नहीं आंटी। भगवान, अचानक से ये तूफान, क्या हो रहा है ये सब? दाइमा, घर चलो ना, मुझे इन सब से डर लग रहा है। इनसे क्या डरना, ये तेरी सेवा करेंगी, तेरी रक्षा करेंगी। मुझे मम्मी के पास जाना है। डर, जितना डरना है उतना डर। आज तेरी डरने की आखिरी रात है। आज के बाद दुनिया डरेगी तुझसे, ये दुनिया डरेगी। दुनिया मुझसे क्यों डरेगी? क्योंकि आज तू राजा बनेगा, अंधेरी काली दुनिया का राजा। आज होगा तेरा राज्याभिषेक। आज के बाद पूरी दुनिया तेरी कदमों में होगी, जो मांगेगा मिलेगा। यही है तेरा खास तोहफा, ऐसा तोहफा जो किसी बच्चे को आज तक नहीं मिला। 5 साल इंतजार किया है तेरी दाइमा ने तुझे ये तोहफा देने के लिए। जो कहानी 5 साल पहले इस जगह से शुरू हुई थी। मच्छी ने हमारे खानदान के कुलदीपक को हमसे, रक्षा कर उसकी, बचा ले उसे मां, बचा ले। भाभी जी, राठौर साहब को फोन दीजिए। राठौर साहब, आपको न्यूज तो मिली गई होगी। मैंने अपनी तरफ से कह दिया है कि हर पुलिस स्टेशन में अलर्ट भेजा जाए, शहर के हर आने वाले और जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की जाए,
लेकिन सर मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज पर्सनली इस मामले में ध्यान दीजिए। कुछ भी करिए, मेरे बेटे को ढूंढ के लाने में मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज। थैंक यू सर। हे भगवान। देवा, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे चिराग को वापस लेकर आइए। विद्या, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कि सारी पुलिस को मैंने इस काम पे लगा दिया। तुम टेंशन मत करो, चिराग मिल जाएगा। अगर यशोधन जी की बात मानते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आप हर बार यशोधन जी की बात को बीच में क्यों लाती हैं? क्योंकि यशोधन जी ने चेतावनी दी थी कि आज रात दाइमा कुछ अनिष्ट करेगी। अगर ये तूफान जल्दी से नहीं थामा गया तो मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। मुझे चिराग को ढूंढना ही होगा। लेकिन आप उसे ढूंढेंगे कहाँ? वही उसके जन्म स्थान पर। अभी भी मध्यरात्रि में आधा घंटा बाकी है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, ये खेल खतरों से भरा है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। मुझे चिराग को ढूंढना ही होगा। लेकिन गुरुजी, नहीं, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप के जा रहा हूँ। अगर मैं वापस लौट कर नहीं आया तो तुम मठ चले जाना। वहां मठाधीश को यहाँ के बारे में सब कुछ विस्तार में बता देना। मैं चलता हूं। ईश्वर गुरु जी की सहायता करें। चिराग फैलाएगा अंधेरा आज, करेगा काली दुनिया पे राज। अपनी काली शक्तियां इसे समर्पित करो, अपने राजा के चरणों में शीश धरो। अब ना होगा कोई उजाला, ना होगा कोई रोकने वाला। आओ, अपनी शक्तियां इसमें बरसाओ। आओ।